बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगेंद्र प्रसाद साहनी ने बताया कि बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब दलित व पिछड़े वर्ग के उत्थान और जातिवाद को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने बताया कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस अवसर पर अखिलेश यादव, जियाउल इस्लाम, मोहसिन खान, मैना भाई, सुरेंद्र निषाद, रणजीत पासवान सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगेंद्र प्रसाद साहनी ने कहा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नगीना प्रसाद साहनी, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। युग पुरुष, भारत रत्न, संविधान निर्माता, जिन्होंने सबको अधिकार प्रदान किया संविधान के माध्यम से, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर हम समाजवादी लोग इकट्ठा होकर के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप जगह जगह देख रहे हैं कि संविधान में जो कुछ लिखा गया है आज उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज उसको लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं, जिनके दिशा निर्देशन में हम लोग उनके द्वारा बनाए गए संविधान को पालन करने के लिए और लोगों के जनहित के कार्यों को कराने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही हम लोग इकट्ठा हैं और बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं।